Guru, Vaheguru, 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 जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़ा आप जी वाहिगुरु 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 दा जाप करदे हो सुरत दा शब्द दे नाल जुड़ना पंजवें सतगुरु गरीब नवाज ने बड़ा वड्डा पुन्न दस्सिया है ते अक्षर ए वरते ने कोई जान बोलो हर स्यों देव है जोर मेरी भटकती सुरत नू कोई रब का प्यारा हरी नाल जोड़ दे जिन्हां नू किते जुड़न की महिमा का पता है उन्होंने बड़ा कुछ अर्पण किया है। आखो वाहिगुरु उन्होंने बहुत कुछ अर्पण किया गुरु अगे जिन्होंने चुन का पता है कोई जन इन्ने का पता लग गया भी कोई इस सृष्टि के योजा रब का प्यारा जड़ा मेरी भटकती सुरत न शब्द न जोड़ दे शाबाश ते गल ना ला के फकीर ने आख्या पुत जोड़ तो दू देंगी की भेटा की देंगी। आखो वाहेगुरु उन्हें कहा भेटा यह है भी वह कितने मेरे सामने आ जाए जोड़ा जोड़न की समर्था रखता है तो मैं पलंग ते बालूंगी उन्होंने कुर्सी ते बालूंगी ते कुट के उदे चरण अपने हथां च फड़ लूंगी कि जड़ा कोई मैनू रब नाल जोड़ दे मेरी सुरत नू जोड़ दे। उन्हें कहे तो गल प्यारी हो गई भी तू ओदे कुट के चरण फड़ लेंगी मैं तेन पुछा भेटा की देंगी। आखो वाहेगुरु पता लग रहा जी समझ लग रही भेटा की देंगी ते ओ कहिंदी दीजै प्राण अकोर प्राण जिन्हें मेरे प्राण ने मैं भेटा वजो ओदी भेटा कर दूंगी जिहड़ा मैनू रब नाल जोड़ दे। आ गुरु नानक साहब नू कहना है गुरु नानक साहब ने जोड़िया सारे नू आपां नू। आखो वाहेगुरु तुसीं एक बंदे दो बंदे तीसरे की फोटो ना बनाउणी सानू जोड़न वाला कौन है जोड़न हारो संत बोलो संत मीन गुरु एक गुरु है जिहड़ा टुटिया नू नानक एक श्री धरनाथ एक श्री धर जे टूटे ले सांठ जे टूटे ले टुटिया रूहां नू जिहड़ा आंठ सांठ जोड़ देना एक नाथ है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈਂ ਚਾਖੇ, ਇਤਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਟੀ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ, ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਆਨ ਰੱਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈਂ ਚਾਖੇ, ਬੋਲੋ ਭਾਵ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਦਵੈਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਰਸ ਆਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ, ਕੌੜਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਨ ਰਸਾ, ਆਨ ਬਣੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸ ਜੇਤੇ ਤੈਂ ਚਾਖੇ। ਕੁਝ ਲੈਣ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਅਜੀਬਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਰਸ ਕੱਚ ਚਾਖੇ ਨੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਥੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈਂ ਚਾਖੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਥੇ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਦ। ਕਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸੀ,
कहे नानक होर अनरस सब विसरे, सारे भुल जाएंगे जो कुछ खाण पीण गल्लां करनियां गल्लां ने। वेखे रब दे प्यारे घट बोलदे अख वाहिगुरू, उन्हां नूं रस आ गया हुंदा। उह कहिंदे कि मेरे चो चुगली ना निकल जाए, मेरे मुंह चो किते हंकार दा शब्द ना लिख जाए, भी जिहड़ा मेरे अंदर रस भरिया वा किते उहनूं अग लग जाए। बोलण तों पहलों बाबे दी बाणी च आ, सगल बोलण के माहे विचार पढ़े आ जी। सारे बोलण तों पहलों विचार वेखो भी इहदे विच है की, जो मैं गल करन लगा इहदे विच है की। जेता बोलण तेता ज्ञान, जिन्नियां गल्लां करो कादियां करो, ज्ञान दियां गल्लां करो। तीन चार पंज भैणां बैठियां होण, तीन चार पंज तुसीं गुरु के सिख बैठे हो, ते सिखा मेरे बाबे दा हुक्म मन्नी, जिथे चार बंदे रल के बैठे हुए चर्चा चले गुर शब्द दी, ओ शर्ती असी जिथे चार बंदे जुड़ के बैठिए चर्चा कादी करिए, गुरु दे शब्द दी। भी भाई साहब आ जिहड़ा शब्द आ इहदे विच मैं इत्थे कण के अटक गया, कोई गुरमुख प्यारा मैनूं दसो इहदे तों अगे की है। अख वाहिगुरू, जिथे सिख बैठन चर्चा कादी करन, एक बार चेता करो। वैसे ते भाई साहब पढ़ के कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, किथे टिकाने ते आउंदा जे गुरु अगे तरला पाऊगा ते हो सकदा है मन ऐस राह ते चल पै। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी सारे नहीं पाउंदे, को वडभागी पाए। ते तुसी अपने मन विच इस बिरती बनाओ भी कोई जन हर स्यों देवै चोर, चरण गहू बकू शुभ रसना, ते तीजे प्राण अकोर। प्राण अकोर में हुंदा नजराना, भेटा देनी। अकोर शब्द पल्ले बन लो, जदों अकोर शब्द आऊगा, बड़ी बार बाणी च आया, जदों अकोर होगा उहदा अर्थ की होगा, भेटा। पंजवें पातशाह जी कहिंदे मैं भेटा कादी दूंगा, अपने प्राणा दी दे दूंगी। जिहड़ा की करदा है हर स्यों देवै, आओ वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, जुड़ो चमक जिहड़ी पई अगे दस गई बड़ा कुछ। तुसीं कहना ना सारी रात जगी रहे, सारी रात तुसीं नाम जपते रहो, वह मुबारक होगा जब सारी रात जपोगे। मगर अजे जिहड़ा वाहिगुरु शब्द दो छिन लई कहा है ना, वो बिजली वांगू तुहानूं रात खा जूगा। अपनी अनेर कोठड़ी दे विच वाहिगुरू 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 जदों करोगे ना, तो इत्थे राह मिलूगा। जपिया करो घर भी जदों कदी टाइम होवे। रस्ते विच मेरी सरकार ने ते कहा उठत बैठत सोवत त्याईए, बोलो भला गिण लो, उठत बैठत सोवत, तीन टाइम हो गए, उठद्या भी बहिंद्या भी ते सुत्या भी वाहिगुरू 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 मूँह चो निकलता रहे। अगे होर लिखिया भी जे तुसी एक घंटे की ड्राइव ते गुरुद्वारे आ रहे हो, किसी सज्जन नूं मिलने जा रहे हो, तो उदों भी सुरत नूं बहुता बखेरियो ना। मार्ग चलत हरे हर गाइए, मार्ग मीन रस्ते ते चलद्या चलद्या भी वाहिगुरु वाहिगुरु वाह वाहिगुरु 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 जिंदे रहो।
जिंदे रहो। आपको सतनाम श्री वाहेगुरु। सारा दिन का कोई थकिया टुटिया मूंह तो चेहरा दस रहा भी इन्हें सारा दिन बेचारे ने कोई करड़ी मशक्कत की ते पल्ले बदे दो पैसे किन्ने उत्साह आख्या करो दो पैसे पल्ले बदे ते थके शरीर ने अपनी इतो जिथे बदा सी पल्ले दे दो पैसे वो कढ के खोल के ते किसे दुकानदार नू आख्या मैनु दो पैसे दा आटा दे की दे जी आटा दे वह सोची पै गया दुकानदार दस दवा जिन्हों का अज आगमन है गुरु अंगद देव साहब का उदो जो दुकान करते नाम अजय भाई लहना सी लोकी भाई लहना उन्होंने जो कहा भाई लैने भी मैनू दो पैसे का आटा दे ते धर्मी लोग होंगे सी अगे उन्हें कहा तू मैनू दस सजना थकया टुटिया तेरा चेहरा है किरत करके आया ये दस भी दो पैसे दे आटे विचों तो सब किन्या ने रोटी खानी है हुण नहीं कोई पुछदा तुसी किन्या ने रोटी खानी किन्या ने ढिड भरना है ये धर्मी लोगों की निशानी सी उन्हें कहा एक मैं आ एक मेरी सिंघणी आ ते एक मेरा बच्चा है उन्हें कहा तुसी तीन बंदे ये दो पैसे दे आटे विचों कितना रजोगे उन्हें कहा साहब की कृपा हुई तो सानू इन्ने ची शांति आओ भाई लैने ने दो भर के बुक तो दोवे पैसों का आटा उसकी झोली च पाया एक बुक फिर भरिया कहिंदा आ मेरे वालों आ मैनू पता है भी तीन बंदियां दा राशन दो पैसों पूरा नहीं होना आ एक बुक मैं तेरे वालों दे लैना तेनू देना अपने वालों उन्हें इस तरह झोली करके आख्या सज्जणा ये आटा मेरी झोली चो तू कढ ला मैं उन्ने खाना जिन्ना मेरी मेहनत दे पैसे मेरे कोल सी किनू कहा भाई लैणा जिनू कहा इस सिख का नाम इतिहास में आया भाई शीआ किरती सिख सारा दिन पल्लेदारी करके आया दो पैसे का आटा लैन गया तो एक बुक भाई लैने ने धर्म दिया जड़ ते पहलों लगी सी ना भी एडे वे संस्कार का मालिक हो जिन्हें बाद च धन गुरु नानक का दूसरा स्वरूप बनना है संस्कार तो तगड़े ही होणगे ना अख वाहेगुरु कह लगा ना उन्हें तो तरस करके कहा भी तू लै जा दो पैसे का आटा ते नाल मैं एक बुक होर पाता ताकि कल तक तुहाडा ढिड भर जाए तो भाई शीए ने आख्या ये जिहड़ा तेनू बुक दिसदा है ना ये मेरी किरत का आटा नहीं ये मेरी जप तप संजम की कमाई की गुरु तो उपदेश लिया मेरे गुरु ने कहा सी भी भाई शीआ एक पैसा भी किसी की कमाई का तेरे पैसे जान के रल गया तेरे घर च आ गया ते तेरे की हुई धर्म की किरत नू अग लग जानी है उन्हें सड़ जाना है ते तू आटा अपना कढ ला वापस ले ला भाई लैने ने आटा कढ लिया अख वाहेगुरु मगर दुकान बंद करके उदे पिछे ही हो तुरिया कहते भाई शीआ जी से पिछे पिछे हो तुरिया बोले बूहे दे ओले लुक गया जाके भी वेखा दो पैसे दे आटे विचों रोटी ये परिवार कितना खांदा है अखो वाहेगुरु घर बीबी राणी नू जाके दिता आप इशनान पानी करन लग पिया घर दी ने आटा दो पैसे का ही जिहड़ा गुद्दा ते गुन के रोटी पकाई ते रोटियां बनियां तीन दो पैसे दे आटे विचों तीन रोटियां बनिया एक रोटी भाई लैने नू देती एक रोटी अपनी सिंघणी नू देती एक रोटी अपनी थाली च रख ली सरदार साहब ने ते एक रोटी बारे दोवें जी गल्लां करदे सी वी इहदा की करिए
एक तो सानू दोवां नू आ गई, एक जिहड़ी वध गई इहदा की करिए। उस घड़ी इतिहास में लिखिया को फकीर बूहे अगे आ गया, उन्हें आण के आवाज दित्ती, भाई शिया मैं सुनिया है भी तू गुरु नानक नू गुरु धारिया है, तो गुरु नानक दे सिख दे घरों ते कदी कोई भुखा गया नहीं, मैनू भुख बड़ी लगी है, समझ रहे हो भैनों बच्चो, मैनू भुख बड़ी लगी है, मैनू प्रशादा छका। खिड़खड़ा के भाई शिए ने आख्या लै धर्मवालिए झगड़ा भी मुक गया, एक तू खा एक मैं खाना, एक इस फकीर नू दे दे इहदा ढिड भर जाए। वह फकीर इन्ना भुखा सी, आखो वाहिगुरू, वह फकीर इन्ना भुखा सी, उन्हें दोवें मिनटां विच रोटी मरोड़ी मूँह च सुट के कहिंदा भुख ते मिटी नहीं। हाजर हो सुनियो ध्यान नाल, उपदेश दे विच जिहड़ी साखी हुंदी आ ना जी, उहदे विच हुंदी सिख्या। बोलो हुण की हुंदा, साखी नू कन्न रस ना बनाओ, उहदे विचों सिख्या लो भी मैनू मैसेज की इहदे विच। वेखियो गल सुनदिआं सुनदिआं हो सकदा है कोई एक मैसेज मिल जाए मेरी रूह नू। जदों आटे दीआं रोटियां तीन बन गईआं, एक फकीर ने खा ली, एक थाली च पाई शीए दे पई, एक उहदी सिंघणी दे पई, ते उहने छेती नाल खा के मरोड़ के फकीर ने पाणी पी के आख्या जे मेरे ढिड दा कुत्ता चुप नहीं होया, भुख मिटी नहीं, एक रोटी होर दिओ। भाई शिया ने कहा करमा वालिए आपां एक अद्धी अद्धी रोटी खा के गुजारा कर लांगे, ये रोटी भी इहनू दे एक ते रज्जे। आखो वाहिगुरू, वो रोटी भी उहनू दित्ती ते उहने खा ली। ढिड ते हथ फेर के कहिंदा अच्छा भाई शिया मैं चलदा। भाई लैणा बूहे दे ओले वेख रिहा खलोता भी ये कौतक की हो रहा, इन्ना सबर इन्ना सिदक कित्थों आ गया। ते उस फकीर ने कहा सी भी तू गुरु धारण कर लिया, किनू? गुरु नानक साहब नू। उहदे मूंह चो कन्ना च आवाज पै गई सी भाई लैणे दे, ते भाई लैणे ने आख्या गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, गुरवड खुल के धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन जाहिर पीर जगत गुर बाबा, जाहिर पीर जगत गुर बाबा, जाहिर वो जार पीर गुरु नानक साहब नूं इन्हें गुरु धारण किया, ते एहो जी सिख्या दित्ती भी एक पैसे का हक भी किसी का नहीं खाना। बूहे अगे डिग पिया भाई लैणा, भाई शीए दे बूहे अगे ताड़ करदा सिर रख के डिग पिया, ते भाई शीए कहिंदा क्यों भाई? भाई लैणिया आटा मैं लैंदा, रोटी मैं खा ली, फकीर ने भी खा ली, तू क्यों डिग पिया? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। बोलो हाँ, हर स्यों देवे जोर कोई जन, हर स्यों देवे जोर, हर भाई जी हां, जिस गुरु ने तेरे अंदर ठंड पाई आ, पकड़ रहे हो जी, जिस गुरु ने तेरी तृष्णा मिटाती आ, तेरे अंदर शांति कर शांत, सुख मन आए वसिया जिन इच्छा, ये सारियां तेरियां इच्छा पूरियां करने वाला शांति बख्शन वाला गुरु है कौन? ते गुरु के सिखो मैं बेनती करदा हुंना, असी रोज मौलां विच जाने हाँ, पार्टियां च जाने हाँ, सड़क ते जाने हाँ, कोई साडे करदार वल वेख के कदी किसी ने पुछया भी तेरे गुरु का नाम की है? एक बार सोचो चित्थो, भाई शीए ने करदार विखाया कि भी आटा मैं ओ ही लैना जिहड़ा मेरे पैसों की किरत कमाई का आटा है। सानू पुछया कदी किसी काले ने गोरे ने तेरे गुरु का नाम की है? क्यों नहीं पुछया? सरूपता वेख्या साडा
पग भी वेखी गात्रा भी वेख्या होगा अख वाहेगुरू मगर बिचों किरदार नहीं दिसिया किरदार समझदे हो करैक्टर बंदे का नहीं दिसिया जिहड़े करैक्टर नूं गुरु नानक ने सवारिया होवे जिहड़े करैक्टर नूं धन गुरु नानक साहब ने भाग लाए होण ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਛੀਏ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਮ ਕਰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਹਾਰਾ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਛੀਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ खुल के बोलिया खुशी चढ़ दी गुरु नानक साहब का नाम रसना ते कन्ना विच आउंदिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु भाई लहने ने सदा ली दुकान बंद कर दिती ते चले गया पुछदा 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 उस जगह ते जिथे फुल खिड़िया सी ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੋਲੋ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡਣ ਡੀਆਂ ਏ ਅਨੰਤ ਭੌਰੇ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਗੀ ਆਏ ਨਾਥ ਆਏ ਸਿੱਧ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂ ਕਰਨ ਐਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਥਾਂ ਸਾਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੁਧ ਜਿੱਠੇ ਅਜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਸੱਚੇ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁੱਖ ਗੋ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਜਗ ਰਹੀ ਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਹਨੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੀ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਗੜਾ ਹਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਐਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ
कोई छोटी जी गल थोड़ी सी। जाहिर पीर जगत गुरु बाबा सी आण के कहिंदा संत जी बैठो। कौन कहिंदा? बाबा बुढ़ा साहब ने कहा संत जी बैठो, मैं तुहाडी की सेवा करा। ते धन गुरु नानक साहब कहिंदे सानूं भुख लगी दुध पिया, मझां तेरियां बड़ियां ने दुध पिया। उसे वेले पिंड नूं भज गया। कत्थू नंगल पिंड सुनिया कोई? अमृतसर दा हैगा कत्थू नंगल पिंड आओ, जिहड़ा बाबा बुढ़ा साहब दा सी मजीठे दे कोल अख वेख बटाला रोड ते। उत्थे मझां चारदियां नूं जदों साहिब गुरु नानक साहब महाराज पातशाह मिले आण के ते आखिया सानूं भुख लगी दुध पिया, भज गया पिंड नूं। पिंडों एक नहीं सोची, दो नहीं सोची, एडा गड़बा दुध दा भर के लाया मलाई वाला। साहब ने एक कौला पीता, एक कौला मरदाने नूं ते एक कौला अपने हाथ नाल छुआ के बाबा बुढ़ा साहब नूं पियाया। ते इन्नी गल पुछी, बुढ़िया बच्चिया मैं तेनूं गल सुणियो जी, भटके ना दूर ना होयो टेके रहो, मैं तेनूं एक गल पुछा। दुध चोरी लियाया मां तों कि पुछ के लियाया? एक बार तुसी बोलो की बोले भला के मां कोलो? ते छोटे जे पचंगी ने आख्या बाबा चोरी लिया, खिच के बांह तो गल ना ला के आख्या बल्ले 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 बल्ले। छोटे जे नहीं सच बोलता ही, ते पुत्र तू सच बोलिया, मैं तेनू सच बोलन दा इनाम देना चाहना, दस की दवा। बाबा बुढ़ा साहब नूं धन गुरु नानक साहब छोटी जी आयु दे विच जदों बाबा सी कहिंदे तेनू सच बोलन दा मैं की दवा। ते बाबा बुढ़ा साहब ने मूँह वल वेख्या गुरु नानक साहब दे, महाराज ताड़ी जो रजा है वो दे दो, करता तेरे वडियाईयां ने सारियां, अमृत दा दाता है तू गरीब नवाज, तेरे मूँह दे विचों अमृत दे चश्मे फुटदे ने, मैनू भी कुछ दे दे। ते उदों भी गुरु नानक साहब ने इतना किया। ते बाबे बुढ़े ने आख्या महाराज मैं छोटा वां, तुहाडियां रमजां नूं तुसी जाणो, मगर एक आ उंगल करके की इशारा मेरे वल कीता जे। ते साहब ने उन्हों भी कहा अमृत वेला जा, सारा जीवन अमृत वेला संभाली, कार जा पे सौ जो 120 साल 118 साल बाबे बुढ़ा साहब दे अमृत वेले च एक नांगा नहीं पिया। की क्या एक बार बोलो भला किन्ने साल? 118 साल जिदन तो धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया दे नाल मिलाप हो गया, अमृत वेले दी दात मिल गई, हर दिन जिंदगी दा चढ़न लग्या अमृत वेले उठ के नाम जपदे सी बाबा बुढ़ा साहब। ते इन्ने भागां वाले महापुरश होए बाबा बुढ़ा साहब, एक वाहद सिख बाबा बुढ़ा साहब आ जिन्हों 6 पातशाहियां दे दर्शन होए ने, पहले दे भी, दूसरे दे भी, तीसरे चौथे पंजवें छेवें दे भी दर्शन होए ने। 6 महीना तक दर्शन हारी, 6 महीना तक अखां नाल दर्शन किते। ते एक दिन हरिमंदर साहब दीआं परिक्रमा दे विच बाबा बुढ़ा साहब इन्नी मस्ती चार है, अड़े अड़े भरे अमृत दे नाल नेत्र, ते अगों गुरु अर्जन देव महाराज महाराज दी हजूरी च उठ के ते बाहर आउण डए सी। पकड़ रहे हो नाल नाल ही सुरते आ ना, बाहर आ रहे सी चौर करके महाराज दी हजूरी च। ते बाबा बुढ़ा साहब दे नेत्र वेखे किन्ने? गुरु शाबाश जींदे रहो गुरु अर्जन देव साहब ने। ते वेख के आख्या बाबा बुढ़िया, बाबा जी ये नेत्र इन्ने भरे ने, चाल बड़ी मस्तानी आ, की खादा जे? ते हाथ जोड़ के बाबे बुढ़ा साहब ने आख्या जो तुसी दिता सी की? मैं ते कुछ नहीं दिता। कहिंदे शरीर पंजवा है ना, आ नोट करियो हुण बरीकी जे, शरीर विच ते उही गुरु नानक साहब बैठे हो ना जिन्हां दित्ती सी दवाई, मैनू पुछदे हो वी तू की खादा, ओहो दवाई जिहड़ी तुसी पहले जामे च दित्ती मैनू चेता नहीं, जाण के कहा मैनू चेता नहीं, मूंह तो बोल। कहिंदे तुसी मैनू कहा सी बुढ़िया जिन्ना चिर जींदा रहेंगा ना उन्ना चिर अमृत वेला ना छड्डी, साडे कोलों दूर हो गया हुण लोकां कोलों, हो गया कि नहीं बोलो ना गुरु किसी को। कम्मां कारां तो थक के रात नूं आउंदे हो, सवेरे फिर जाणा हुंदा, मगर साहिब गुरु नानक साहब ने उहनूं अमृत वेले दी दात दित्ती ते सारे दा सारा जीवन अमृत वेला संभालिया। इत्थे भी जदों हर नाथ नूं हर पीर नूं हर सिद्ध नूं गुरु नानक साहब जी कहिंदे वी अमृत वेले उठिया करो,
ते इधर हाथ जोड़ के भाई लैणा भी पहले दिन आन के खलोता सी। भाई लैणे ने भी पूछ लिया, महाराज अमृत वेला मैनू भी दसो। महाराज कहते तू भी उठिया करते कुछ सवाल किते। भाई लैणे ने अमृत वेला किन्ने बजे हुंदा है जी, सुन लो, उठना ना उठना, जिसे जगाए प्यावे ए रस अकथ कथा तेन जानी। ये ते जिन्हों जगाऊगा उन्हें उठना है, हुक्म देता भी उठना है। साहब गुरु नानक साहब ने क्या भाई लैणे, गुरु का सिख पौने दो बजे उठे। किरतक माइया जो तुसी बिखर गया ना संसार, सिदकी हुंदा भाई छीए वर्गा, ते फिर टाइम निकलना सी। आखो वाहिगुरू, लालसावां इन्नियां हो गईयां, सारी नाइट भी सारा दिन भी काम करता है, अमृत वेले दा की पता लगना है। लैणिया पौने दो बजे गुरु का सिख उठे, महाराज सत वचन होर की करे, कहिंदे केसा इशनान, केसा समेत इशनान करे गुरु का सिख। फिर की करे जी, आखो वाहिगुरू, पकड़ रहे हो ना, फिर की करे, फिर चौंकड़ा मार के वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करे घंटिया बद्धी, जिनी इहदी समर्था है। मैं बाद तुहाडे लिख के लाया इत्थे कागज, जो मैं पढ़दा आया उहदे विच सब कुछ लिखिया है, भी नाम जपना कितना जपना, इत्थे तुहाडे बाहर लिखिया पिया पीले कागज दे उत्ते। आखो वाहिगुरू, उठ के ते वाहिगुरु गुरमंत्र विच जुड़े। भाई लैणे ने आख्या फिर की करे, फिर जपजी साहब पढ़े, किन्नियां गल्लां हो गईयां। एक ते पौने दो बजे उठे ते केसी इशनान करे, वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करे, ते फिर जपजी साहब दा पाठ करे। ते भाई लैणे ने पुछया, महाराज ये सारियां गल्लां जे तेरी कृपा नाल मेरे ते ढल जाण, मैं करन लग पां, ते मैनू मिलूगा की? ते पता की सरकार ने कहा, लैणे आ जे सिख अमृत वेले उठन लग पए, चौंकड़ा मार के वाहिगुरु गुरमंत्र जपे, जपजी साहब दा पाठ करे, इशनान रोज करे, ते मेरा रूप हो जूगा। होर दसो, होर मेरा फिर रूप हो जूगा, मेरे च ते उहदे च कोई भेद नहीं रहूगा। आखो वाहिगुरू, ते भाई लैणे ने ओ गल पल्ले बन ली। ते जिदन दातां वंडन लगा ना, चले जाना सी, शरीर छड़ देना सी, किन्ने गुरु नानक साहब ने ते इतना एक कागज दे उत्ते लिख के, फट्टे दे उत्ते लिख के, सोटे दे नाल लटकाता, एक थां ते लिखता दद्दे नूं कन्ना, तत्ते नूं कन्ना, ते उत्ते बिंदी, की बनिया? गवाचे हो ना फिर कदे। दद्दे नूं कन्ना, तत्ते नूं कन्ना, ते उत्ते बिंदी लाती, की बनिया? दातां। ते आखरी दरबार ला के साहब ने आख्या, आ जाओ भी, जिन्हूं दातां चाहीदियां लै जाओ मेरे कोलों। जिन्हें पुत मंगिया उन्हें पुत देता, जिन्हें मझा मंगिया उन्हें मझा देतियां, जिन्हें जमीन मंगी उन्हें जमीन देती, दाता सी सृष्टि दा। भाई लैणा पिछे हाथ जोड़ के खलोता रहा, ते सरकार ने आवाज मार के आखे, भाई लैणे तू नहीं आउंदा। कहिंदा जो इन्हां ने लिया वो मैनू चाहीदा नहीं। आखो वाहिगुरू, गज के बोलो, जो इन्हां लोकां ने लिया वो मैनू चाहीदा नहीं। तेनू की चाहीदा है? जे तुहाडी इजाजत होवे ते मैं इस बोर्ड दे कोल आवां जिते लिखिया, जे दद्दे नूं कन्ना, तत्ते नूं कन्ना, ते उत्ते उच्ची बोलो, उत्ते बिंदी जिहड़ी लगी, की बणिया सी? मैनूं ते दातां चाहीदियां नहीं, तैनूं की चाहीदा है? जे तुसीं हुक्म करो ते मैं बिंदी मिटा दां। नहीं पता लग रहा, इह लगी होई बिंदी उत्तों हटा दवां? कहण लगे आ जा हटा दे। बिंदी उत्तों हटा दी, गुरु अंगद देव महाराज पातशाह भाई लैणे दे रूप विच सी जदों, बिंदी हटा के ते धन गुरु नानक साहब वालों हाथ जोड़ के कहिंदा जो रह गया वो दे दो। ते तख्त तो छाल मार के धन गुरु नानक साहब उठे, कहिंदे चल किधर चलना है, दाता मिल गया तेनों। दाता नहीं, जिदन तुसी दाते तो तां दाता तो तां उठोगे ते अगे की है? दाता आख्या चल, जिधर लैके जाना ही चल। ते भाई गुरदास ने लिखिया, दिता छड करतारपुर, बोलो भला, धन गुरु नानक साहब ने भाई लैणे ने दिता छड करतारपुर, दिता आण खडूरे जोत जगाई, आण खडूरे जोत जगाई, आण
ਢਿੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਣ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਆਣ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਆਣ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਿਹਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਗੁੱਜੇ ਭੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੁਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਡਦੇ ਕੋ ਉੱਡਦਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਉੱਡਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਤੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਡਦੇ ਕੋ ਉੱਡਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤੇ ਕੋ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮੂਏ ਕੋ। ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕਾਰਨ, ਆਪਾਂ ਪਕੜੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਗਿਣੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗਿਣੂੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਕਾਗੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਇੰਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $10,000 ਦੀ ਗੱਤੀ ਫੜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਊ, ਸੋਚੋ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਅੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੀ $1 ਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, $1 ਦੀ ਆ, $2 ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੋਥੀ ਸਾਡੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ,
यही मेरी जान है, यही मेरा सतगुरु है। ताडे ते भी गुरु कृपा करे, मेरा पातशाह गुरु अंगद देव साहब जिस तरह आप लहने तो गुरु नानक बनया है, साढ़े ते भी दया करे, असी भी गुरु नानक पातशाह की गल समझ सकी, हिरदे च विश्वास किए। फुलाना चितारियो जी, अजीज बख्शो, लख लख बधाई तुहानू सतगुरु के आगमन की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।